तो अब हम लोग आ गए हैं शर्मा भोजनालय। यहाँ की दाल बाटी बहुत फेमस है, तो अब दाल बाटी खाते हैं। वैसे भी बहुत भूख लग रही है। अरे बाटियाँ मस्त बन रही है, बिल्कुल भट्टी पे। चलो भैया मेरे को लेके जा रहे हैं अंदर। अरे वाह, बाटे ऐसे बनती है यहाँ पे। अरे बहुत ही बढ़िया, फेमस है यहाँ की तो ना शर्मा जी का। बिल्कुल भट्टी में बन रहा सब कुछ। रोटियाँ देखो बिल्कुल गर्मा गर्म निकल रही अंदर से। शर्मा जी तो बड़े फेमस हैं यहाँ पे, बिल्कुल देसी तरीके से दाल बाटी बनती है यहाँ पे। मैं आपको खा के बताऊँगा टेस्ट कैसा है। तो ये बाटियों का चूरमा बनाया जा रहा है, बाटियों को चूर चूर के ये इसमें घी भरा हुआ है पूरा, फिर घी लगाएंगे भैया ही। मैं तो दाल का वेट कर रहा हूँ यार, फटाफट आया, बहुत भूख लग रही है। और ये निकला घी। क्या सर कैसे? अच्छा घी का एक्स्ट्रा चार्ज है। तो यार घी का एक्स्ट्रा चार्ज है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा था थाली में सब कुछ आता होगा, पर ऐसा नहीं है कुछ। तो दाल बाटी पर प्लेट है 70 रुपीज़। बहुत देसी टाइप का रेस्टोरेंट है ये, होटल शर्मा जी का, बहुत चलता है, मस्त भीड़ देख सकते हो आप लोग। यहाँ भी है हमारी सलाद, यह है चटनी, हरी चटनी, अचार, और ये लहसुन की, ये क्या मसाला है? दो मसाले। दाल बाटी आ चुकी है, सारे लोग खाने में व्यस्त हैं। यहाँ तो ये पागल है, साइड से निकलना भाई, ये हमें पागल बना रहा है। ये हाईवे के बीच में ऐसे लोग भी आते हैं, पागल लग रहा है मुझे। अब तो दाल बाटी खा के ऐसा लग रहा है बस सो जाओ, पेट तो फुल भर गया है पर टेस्ट में इतना मजा नहीं आया। उससे बढ़िया सेव टमाटर थी, वो खा के अच्छा भी लगा, पर पेट फुल हो चुका है। तो बस घर पहुंचने का इंतजार है, सो जाएंगे जाके। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।